आज लाइक ब्लर है तो मेरे चैनल पे देख लो. सो ब्राउन गर्ल्स यू ऑल आर गोइंग टू लव दिस. लुक एट दैट, मेरा सारा ग्लो ही ले लिया इसने. मेरा ग्लो वापस करो. Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome back to another video. For today's video, we are getting ready together for my pre-birthday dinner. मैं अपना makeup tutorial अच्छे से आपके साथ करके share करने वाली हूँ. It's been a hot minute कि मैंने सिर्फ makeup के बारे में बात की आप लोग से. I really miss doing that. I want to walk you all through my products, through everything I like using to make my makeup look super long wearing and beautiful. और मेरा birthday वाला makeup है तो you all know it's gonna be solid. Actually आज 28 जनवरी है, कल 29 जनवरी है, कल मेरा एक्चुअल बर्थडे है, बट कल हमारा पैक एक सारा का लॉन्च है. टुडे आई हैव टाइम, आई हैव लाइक एक्जेक्टली 20 मिनट्स, दैट्स द मैक्सिमम टाइम आई कैन स्पेयर टू गेट रेडी फॉर माय बर्थडे डिनर, बिकॉज़ मुंबई के ट्रैफिक में वरना मैं कभी भी रेस्टोरेंट में पहुंच नहीं पाऊंगी. वी विल डाइव स्ट्रेट इनटू दिस, बट इफ दिस इज द फर्स्ट टाइम यू कम ऑन टू माय चैनल, देन हाय, आई एम सारा, आई मेक ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल कंटेंट हियर ऑन यूट्यूब. टेक अ मोमेंट, हिट द सब्सक्राइब बटन, जॉइन द सारा स्क्वाड, आई एम श्योर यू लव इट हियर. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन राइट नेक्स्ट टू इट, सो एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो यू गेट नोटिफाइड. एंड विद दैट वी कैन डाइव स्ट्रेट इनटू दिस. वी आर सो अप क्लोज बिकॉज़ मेकअप टूटोरियल, तो आई पुट माई एकदम मस्त वाला लेंस ताकि एकदम आपको मस्त मस्त सब कुछ नजदीक से दिखे. माई स्किन इज माशाल्लाह डूइंग सो 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 वेल विद ऑल द हेल्दी ईटिंग दैट योर गर्ल इज डूइंग. लेट मी फर्स्ट टेल यू ऑल व्हाट आई हैव ऑलरेडी पुट टू प्रेप माई स्किन. दिस इज द क्लिनिक्स मॉइस्चर सर्ज मॉइस्चराइजर. आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी डिब्बी खाली हो गई है, बड़ी वाली डिब्बी है और छोटी वाली डिब्बी भी मेरी ट्रैवल साइज सब कुछ खत्म हो चुका है. दिस मॉइस्चराइजर इज अमेजिंग फॉर ऑयली स्किन टाइप. ये मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, सो दैट ग्लो यू सी ऑन माई फेस इज दिस. एक्चुअली 15 मिनट पहले मैं मॉइस्चराइजर लगा देती हूँ, लाइक एज सून एज आई वॉश माई फेस आई लाइक टू ड्रेंच इट विद मॉइस्चराइजर. एंड आई ऑलवेज ऑफ कोर्स प्रेप माई लिप्स विद सम लिप बाम. दिस इज द लनेश लिप ग्लॉसी बाम. इसका टेक्सचर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसको तो कितना भी लगाओ कम ही पड़ता है. काफी लिप बाम अभी मार्केट में बहुत अच्छे हैं, डॉट एंड की के बहुत अच्छे, बट दिस वन जस्ट लाइक अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट, इट्स जस्ट वेरी वेरी हाइड्रेटिंग. टू बिगिन विद माई मेकअप, आई एम गोना टेक माई पैक एक्सारा डेयर टू ड्रीम ब्रश किट, जिसमें मैंने सारी चीजें ऐसे घुसा के रखी हूँ. मैं बहुत सारी चीजें रखती हूँ इसमें, सिर्फ ब्रश किट नहीं रखती हूँ. फर्स्ट प्रोडक्ट दो आई यूज ऑन माई फेस बिफोर आई बिगिन माई मेकअप इज माई ड्यूई हाइड्रेटिंग मिस्ट. आई लव दिस मिस्ट सो मच. दिस मिस्ट यू गाइज, इट्स literally like such a pick me up. It's a pick me up in a bottle. It makes your skin feel revived and recharged, and makeup actually itna zyada glowing lagta hai na iske andar. It doesn't look paseene dar, it looks glowy, it looks like you have life in your skin. Like moisture surge se jo glow aaya tha versus isse jo glow aaya hai, aap difference bata sakte ho in dono mein. Like I was very clear ki mujhe ek dewy mist karna hai, because ab jab main powder laga ke face set kar lungi uske baad I'll again spritz it. So two times I like to use that mist on my face. Next I use the Smashbox pore minimizing primer. This is like my daily routine slash like a little bit of glam, because I plan to do like a red lip. Itna eye makeup honestly main jab bahar jaati hu I don't do. Agar aapki oily skin type hai then this is the makeup tutorial for you, because this is how I like to make my skin dewy, hydrated, और ऐसा जैसे अभी ट्रेंड हो रहा है ना एकदम ग्लास स्किन, बट एट द सेम टाइम पसीनेदार नहीं बनाना है अपनी स्किन को. सो आई फर्स्ट मिस्ट माई ड्यूई हाइड्रेटिंग मिस्ट अच्छे से फेस पे, द स्किन इज ग्लोइंग, एंड देन टेकिंग द पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर. खाली आप उसको टी जोन में लगाओ. अगर आपको अफोर्डेबल पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर चाहिए देन यू कैन ट्राई द पैक्स पोर प्राइमर ऑल्सो. पैक ऑफकोर्स मेक्स ग्रेट मेकअप ऑन अ बजट. इवन द कलबार पोर प्राइमर इज वेरी वेरी गुड. मेरे पास हुआ करता था बट अभी नहीं है, मैंने फेंक दिया उसको, वो एक्सपायर हो गया था मेरा वाला. बट द स्मैशबॉक्स वन हैज बिन my ride or die since the beginning. अगर आप मेरे पुराने videos भी देखते हो, Smashbox is amazing. Benefits pore primer is amazing. The Benefit one तो I love. I have so many minis of it and I travel a lot with it. So you see very evidently कैसा मेरा सिर्फ T zone आपको matte दिखेगा. यहाँ से पसीना जहाँ से mainly आता है ना, वो एकदम ही mattify हो गया. And then you can see the rest of my face still has that glow and that hydration. So my skin looks lively and plumpy. For foundation I'm using the Clinique's Even Better foundation. ये बहुत अच्छा foundation है if you're looking for something which gives you like skin like finish but also really really full coverage. आजकल ऐसे ही मेकअप का पूरा ट्रेंड चल रहा है जहाँ पे आपकी स्किन बिल्कुल भी हैवी फील ना करे, बट आपके जितने भी मार्क्स है या अनइवन स्किन टोन है या कुछ भी हाइपर पिगमेंटेशन है, सब कुछ आपका कवर हो जाए. दिस वीडियो बाय द वे इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनीबडी. मुझे सिर्फ आपके साथ बैठ के मेरा मेकअप शेयर करना था. लाइक इट हैड बीन अ वाइल एंड आई वॉन्ट टू डू दैट. आई एम टेकिंग माई पैक एक सारा ऑल राउंडर स्पंज एंड थोड़ा सा जो और प्रोडक्ट है उठा के आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट ऑन माई फेस अच्छी तरीके से. देखो कितना सीमलेसली ये ब्लेंड हो जाता है एंड इट लुक्स लाइक स्किन, लाइक दैट ग्लो हाइड्रेशन ऑल ऑफ दैट इज देयर इन द फाउंडेशन ऑल्सो. जब भी आप फाउंडेशन ब्लेंड कर रहे हो मेक श्योर यू आर प्रेसिंग इट इन टू योर स्किन. डैब डैब डैब, डू नॉट ड्रैग इट एनी वेयर. सिर्फ प्रेस
प्रेस करना अपनी स्किन में और वो ही जगह पे आपको फाउंडेशन को ब्लेंड करना है. पिक अप दैट प्रोडक्ट एंड स्वाइप इट अक्रॉस योर स्किन. ऐसे पुलिंग करोगे ना तो आपकी स्किन भी टग होती है, विच इज नॉट गुड फॉर योर स्किन, बट एट द सेम टाइम आपका मेकअप भी हल जाएगा. लाइक आप एक और प्रोडक्ट लगाओगे, उसको हलाओगे, नीचे की भी बेस लेयर्स हिल जाती है, एंड दैट्स हाउ योर मेकअप शिफ्ट्स एंड लुक्स वेरी केकी. आपका मेकअप लॉन्ग वेयरिंग तो कभी नहीं होगा क्योंकि हर एक लेयर को आप शिफ्ट कर रहे हो जब आप दूसरा लेयर ब्लेंड करते हो. वाह, मैंने मेकअप सिखाया नहीं कितने टाइम से. मैंने वो यू फील प्रोडक्ट इज लेस, थोड़ा सा एक्सेस प्रोडक्ट लेके जस्ट यू पुट इट देयर. डोंट फॉरगेट योर नेक, ड्रैग योर फाउंडेशन डाउन योर नेक. सबकी स्किन टोन हर जगह अलग होती है. लाइक मेरी फेस और नेक की स्किन टोन बहुत ज्यादा डिफरेंट है, हाथ की डिफरेंट है, पैर की डिफरेंट है, हर जगह की. स्पेशली मेरे टैन होने के बाद तो और भी ज्यादा हर जगह की स्किन डिफरेंट है. सो यू नीड टू मेक श्योर योर ड्रैगिंग योर फाउंडेशन एटलीस्ट डाउन योर नेक. आई एम वेयरिंग वेरी ब्यूटीफुल फुल स्लीव एकदम कवर्ड ड्रेस है विद सम कट आउट डिटेल. सो ब्राउन गर्ल्स यू आर गोइंग टू लव दिस कि हमारी ना नेचुरल आईलिड्स ही बहुत पिगमेंटेड होती है, उसको वैसे ही छोड़ दो. मतलब उस पर फाउंडेशन कंसीलर कुछ भी मत लगाया करो, आईलिड्स पे कुछ मत लगाओ, सिर्फ थोड़ा सा पाउडर लगाना अगर आपको पसीना आता है, बाकी कुछ नहीं. एंड यू विल सी वंस माय फुल मेकअप इज डन माय आईज विल लुक लाइक दे नेचुरली हैव आई शैडो. हाइपर पिगमेंटेड लिड्स क्रिएट फॉर द बेस्ट नेचुरल आई मेकअप लुक, जो आपको स्मोकी आए, ब्राउन आए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अपनी नेचुरली स्मोकी आई होती है. नेक्स्ट आई एम गोना टेक माय ट्रस्टेड टू फेस्ड बॉर्न दिस वे कंसीलर. ट्रस्ट मी गाइस, ये कंसीलर इतना ज्यादा अच्छा है ना, अगर आपको एक महंगी चीज अपने लिए खरीदनी है, जस्ट आस्क समबडी टू गिफ्ट इट टू यू फॉर योर बर्थडे, और जस्ट इट्स सो गुड दिस कंसीलर. आई एम यूजिंग in the shade warm sand. The coverage, the pigmentation, the blendability. If you don't want to apply foundation also, just apply this concealer. It's so so good. Bahut hi achhi tarike se sab kuch कवर कर देता है एंड इट गिव्स यू द स्नैच लुक. आई पुट इट अंडर माय आईज, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है. आई पुट इट ऑन माय पिंपल्स थोड़ा सा, फिर टू चिजल माय चीक बोन्स इधर लगाया है बस, और थोड़ा सा अराउंड माय माउथ एरिया. सो दैट्स द काइंड ऑफ प्लेसमेंट आई डू. दिस इज इन द शेड वार्म सैंड. आई टेक माय कंसीलर परफेक्टो फ्रॉम द पैक एक्सारा कलेक्शन. ये जो उसका शेप है उसकी वजह से दिस कंसीलर ब्रश इज परफेक्ट टू ब्लेंड योर कंसीलर इन प्लेस. लुक एट दैट ब्लेंडिंग, इतना इजिली ब्लेंड करता है, इट मेक्स योर जॉब लाइक 10 times easier. रोल योर आईज अप एंड ब्लेंड योर कंसीलर ताकि जितने भी क्रीसेस भी है ना अंडर आईज में वो भी ब्लेंड हो जाएंगे. एंड द मोशन हैज टू बी लाइक दिस, ऐसा अपना हाथ घुमाना है, उंगलियों को ऐसा घुमाना है. सो दैट्स हाउ यू विल इंस्टेंटली ब्लेंड योर कंसीलर. एक ही जगह पे बस उसको प्रेस करते रहो एंड योर मोशन हैज टू बी अपवर्ड्स बिकॉज आपको वो चिजल्ड लुक चाहिए. कैन लिटरली जस्ट प्ले दिस वीडियो एंड ट्राई डूइंग योर मेकअप. यू नो जब मैं मेकअप सीखती थी, मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे प्ले करके अपना मेकअप साथ में उनके करती थी, एंड दैट्स हाउ आई लर्न्ड हाउ टू डू माय मेकअप. प्रेस योर कंसीलर इन प्लेस. यू नीड अ गुड ब्रश किट. Guys, definitely invest in the Dare to Dream brush kit. I know it's a little premium, but it's going to last you a lifetime. Like, uske baad pakka promise aapko koi brushes nahi lagenge. We've made the kit like that. The Dare to Dream brush kit is a great brush kit for beginners to professional MUAs. You all are gonna love using it on your face because the bristles feel like cloud on your face. It's so good. And under eye area mein to aapko ekdam gently jana hai. Agar aap fingers use kar rahe ho, use your ring finger. Agar nakhon hai to bahut difficult ho jata hai. To thoda time lagega. But you should blend with your ring finger because that's the finger you'll put least pressure and you will not tug your under eyes to create lines. मैंने nose पे भी concealer लगाया था थोड़ा सा सिर्फ tip पे, ताकि एकदम exclamation mark जैसा highlight करना है आपको, तो इधर लगाना और इधर लगाना. So just blend वहीं पे, जहाँ पे लगाया है ना product उधर ही blend करना, हर जगह खींचने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने foundation लगाया. अगर आप foundation नहीं लगा रहे हो तभी concealer से फिर full face ही conceal कर सकते हो आप. Because this concealer honestly I feel like they've put like a foundation formula in a concealer. It's that much full coverage. Too Faced के कोई कोई products इतने ज्यादा अच्छे हैं ना कि मैं सोचती हूँ मतलब वो उनके रिप्लेसमेंट्स ही नहीं है मेरे पास आपको बताने के लिए. अफोर्डेबल सेक्शन में तो छोड़ो, एक्सपेंसिव सेक्शन में भी मैं आपको नहीं दिखा सकती. एंड इफ यू फाइंड टू फेस्ड इन इंडिया एक्सपेंसिव, यू जस्ट शॉप इट फ्रॉम अब्रॉड लाइक यूएस वगैरह से मंगा लो. बट आई थिंक इतना प्राइस में डिफरेंस नहीं है टू फेस्ड के. बिफोर आई सेट माय अंडर आईज, आई एम गोना टेक माय ड्यूई लिक्विड ब्लश फ्रॉम द पैक एक्सारा बियॉन्ड ड्रीम्स कलेक्शन. दिस वन इज इन द शेड टर्किश डिलाइट. इट्स द पिंक शेड दैट वी हैव. इट्स अ नाइस मॉव अंडरटोन्ड पिंक जो सभी पे अच्छा लगता है, और इसको मुझे उंगली से ब्लेंड करना पसंद है. So I take a little bit, just that much. सारा excess तो मैं निकाली देती हूँ wand पे से. The most pigmentation you get when you blend with your fingers, so pretty you guys, so 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 pretty. Look at that dewiness जो immediately cheeks पे add हो जाता है. The glow is unreal with this one. I can't believe we managed to perfect this formulation and it sells for only 795 rupees. Under rupees 1000 इसको लाना is wow, like wow है ये. ये ऐसा liquid blush मैंने शायद ही कभी try किया. Look at that. Oh, that color, that prettiness.
इफ यू प्लेस योर ब्लश ओवर हियर आपके एकदम वो बेला हडीड वाले चीक्स हो जाएंगे. इफ यू प्लेस इट ऑन द एपल्स ऑफ योर चीक तो एकदम रोजी रोजी आपकी स्माइल हो जाएगी. इट रियली डिपेंड्स वेयर यू प्लेस योर ब्लश. अगर आप नोज पे भी लगाओगे तो यू विल गेट दैट फुल विंटर गर्ल फ्लश ऑफ मेकअप. वंस माय ब्लश इज ब्लेंडेड आई एम गोना टेक माय लूज पाउडर एंड टुडे आई एम गोना ट्राई फॉर द फर्स्ट टाइम द शनेल यूनिवर्सल पाउडर. दिस इज द शनेल्स लूज पाउडर जो मम्मी ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया है एंड आई हैव एक्चुअली नेवर यूज्ड इट. इट कम्स विद इट्स ओन पफ. आप देख सकते हो इस पे सील भी लगी हुई है. मैं पहली बार यूज करने वाली हूँ. ऑफकोर्स दिस इज सुपर 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 लग्जरी मेकअप. सो इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक दिस यू ऑल नो आई लव माय पैक स्पॉटलाइट लूज पाउडर. देयर इज नो पाउडर लाइक दैट. मैंने ये भी पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ. आज पहली बार इसका मैंने रैपिंग भी निकाला है. सो आई डोंट नो आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस पफ दो. द थिंग विद दीज राउंड पफ्स इज कि ये इधर ये एरिया के लिए अच्छा है. अगर आपको पसीना वगैरह आ रहा है तो अच्छा है. दिस इज थिक इट्स नॉट थिन. आई एम नॉट सेइंग कि शनेल इज चीपिंग आउट ऑन द क्वालिटी ऑफ द पफ दैट दे हैव गिवन. दे हैव गिवन अ गुड quality one, but the only thing is the shape. Like with the slicer bake, I can go under my eyes, so I'm going to keep that aside. Use my slicer bake loose powder ke saath. Hamesha thoda product aap dabbi mein le liya karo, like dhakkan mein, and then you take the triangle puff. Properly bake your under eyes. Wow, this powder feels luxurious. Like aisa laga kuch maine ekdam malmal ka कुछ लगाया है. इट हैज अ लिटिल बिट ऑफ फ्रेग्रेंस, जस्ट अ लिटिल बिट. दीज आर द एरियाज आई लाइक टू सेट. और फिर थोड़ा सा जो बच गया उसको मैं ओवर द लिड लगा दूंगी ताकि पसीना सारा का सारा पाउडर से मैटिफाई हो जाए. बाकी हम कलर तो नहीं लगा रहे आईज पे. नाउ आई एम गोना लेट दिस सिट फॉर लाइक अ गुड 1 मिनट, नॉट मोर देन 1 मिनट, एंड देन आई एम गोना टेक द पैक एक्सारा मस्ट ब्रश, डस्ट ऑफ एनी अदर पाउडर दैट आई हैड ऑन दिस, और फिर सेम पाउडर को हर जगह डस्ट कर दो. गाइज ये अच्छा है, लूज पाउडर बहुत अच्छा है. वेरी मैटिफाइंग, लाइक इनसेनली मैटिफाइंग. लुक एट दैट, मेरा सारा ग्लो ही ले लिया इसने. मेरा ग्लो वापस करो, थोड़ा सा ग्लो चाहिए. बहुत ज्यादा मैट हो गई स्किन, मतलब मस्त है. इट्स गुड. आई थिंक द पाउडर हैज फिक्स्ड माय मेकअप इन प्लेस, बट आई एम टेकिंग माय ड्यूई हाइड्रेटिंग मिस्ट. आई एम जस्ट गोइंग टू एड माय ग्लो बैक बिकॉज आई लाइक दैट The glowiness. I like the glowiness. Next, I'm going to do my brows, and for that, I'm using my Benefits Goof Proof Brow Pencil. This pencil, I feel like, कुछ भी आ जाए, this is like the OG of makeup that will never, never, never get old. Never ever. Just the best freaking brow pencil there is. इतना easily आपके brows draw कर सकते हैं. And you know what a good dupe for a brow product is? I can't call it a dupe because formula काफी अलग है. Miss Claire used to do really good brow pencil. जब मैं कॉलेज में थी, आई यूज टू यूज मिस क्लेयर्स ब्राउ पेंसिल्स. ऑनेस्टली नाउ दैट आई से, जब मैं कॉलेज में थी, ऐसा लगता है जमानों पहले की बात है. लाइक आई यूज टू गो टू द ब्यूटीफुल ओवर हियर, नजदीकी में एक स्टोर का नाम है, और वहां से मेकअप खरीदती थी. एंड नाउ बेनिफिट हैज सेंट दिस टू मी, लाइक व्हाट अ लॉन्ग वे वी हैव कम. माय मॉम वाज लाइक, तू कब 25 की हो गई, हमको पता ही नहीं चला. लाइक 21 के बाद माय पेरेंट्स आर लाइक, इट्स अ ब्लर. आई वाज लाइक, ब्लर है तो मेरे चैनल पे देख लो, पूरी जिंदगी व्लॉग कर रखी है. इफ यू डोंट हैव अ नेचुरल डेफिनेशन, इट्स ऑलवेज good to just draw an outline and then fill in your brows. I have like bald patches in my brows. Like इधर आप देखोगे मुझे बाल नहीं है, तो वो एरिया में मैं थोड़ा सा ऐसा फिल कर देती हूँ. मुझे ऐसा आउटलाइन बनाने की जरूरत नहीं, मेरे नेचुरली ब्राउज की आउटलाइन है, तो मैं सिर्फ जहां जहां मुझे बाल नहीं है उसको फिल कर देती हूँ. अनयूजली ना, ब्राउज कभी भी ट्विंस नहीं होते हैं. दे आर ऑलवेज लाइक सिस्टर्स, दे आर नॉट ट्विंस. इट्स अ थिंग दैट यूज्ड टू बी सेड अ लॉट ऑन द इंटरनेट बिफोर, एंड इट्स ट्रू बिकॉज बोथ माई ब्राउज आर स्लाइटली डिफरेंट. एंड इसलिए मैं उसको ट्रिम भी सैलॉन में नहीं कराती, मैं खुद ही रेजर से खाली एक्सेस निकाल देती हूँ. बिकॉज ये वाला ऐसा थोड़ा पतला है और ये वाला इधर थोड़ा मोटा है, फिर वैसे ही मैं उसको फिल भी करती हूँ. मस्त भर गए हमारे ब्राउज. और फिर इसी के दूसरे साइड पे यू गेट द स्पूली. इफ यू बाय द डेयर टू ड्रीम ब्रश किट, ऑफकोर्स वी हैव अ ब्राउ बडी एंड अ स्पूली फॉर ऑल इन द किट. टेक द स्पूली, सेट दिस इन प्लेस, एंड इफ यू हैव गुड आईब्राउज यू कैन ऑल्सो बाय द निक्स कॉस्मेटिक्स थिकेट स्टिकेट ब्राउ जेल. लास्ट टू स्टेप्स ऑफ माय मेकअप रूटीन, आई एम गोना टेक माय मैक Stack mascara. This mascara is amazing. I love this mascara so much, you guys. Like I look for it every single place, everywhere I go. I need my Mac Stack mascara. I cannot do without it. There is a waterproof version also, but उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. So I use the washable one. जब से ये mascara launch हुआ है, I have not touched any other mascara. I have a few mascara favorites, no doubt, but this one is just so good. This is my last step in my makeup routine.
routine. I don't apply kajal, I don't apply eyeliner, nothing, because I'm gonna do a nice and bold red lip. So that's that. Look at the difference, guys. Look at the difference in my lashes with just mascara. No falsies, nothing. It makes a hell of a difference. Get yourself a good mascara. In the affordable section, I love the L'Oreal Air Volume Max. I love the Maybelline Sky High Mascara. These two are beautiful. जब से मैं टर्की के ट्रिप पे ये दोनों मस्कारे लिए थे तब से मैं उन दोनों की तो फैन हूँ ही. वो दोनों मेरे पास है. L'Oreal is तो amazing. The Air Volume Max, because it's great to remove the makeup also. It comes out in like tubes. It's a tubing mascara. This Max Stack is like stackable. So अगर आप, oh my god, the Bad Gal Bang. Did I talk about the Bad Gal Bang to y'all? That's also a mascara that I absolutely, Max Stack के दो पड़े हैं मेरे बैग में. मेरे पास Bad Gal Bang भी है, which is Benefit का मस्कारा. छोटू वाला है मेरे पास. Oh my god, that's such a good mascara. That's also one I'm obsessed with. Mascara makes a hell of a difference. और उसको लगाना सीखना भी बहुत important है. Like from your root of your lashes, like shimmy upwards, no matter how weird you look while applying mascara, applying it nicely is important. Last and final step for my lipstick, Fenty Beauty's Velvet Matte Lipstick in the shade HBIC, the birthday lipstick choice for my dinner. ये वाली बहुत ज़्यादा bleed होती है. थोड़ा सा इधर powder patch रह गया ना Chanel की वजह से. थोड़ा सा ज़्यादा ही powdery है ये. मैं थोड़ा bronzer लगा के उसको blend करती हूँ. पहले हम lipstick लगाते हैं. Lip balm को हमेशा remove कर देना, especially अगर ऐसी lipstick हो जो बहुत bleed होती है. But look at this lipstick, okay? Wow, that's a beautiful color. Ah, this lipstick, you guys, it's worth the bleeding. Bleeding मतलब तुम जो भी खाओगे उस पे ये lipstick होगी. Kiss करना तो भूल ही जाओ. मतलब I can just imagine that this is going to be on Ishan's cheek by the end of the night. So stunning. Oh my god. I'm sorry, I'm looking at myself because this mirror was really tiny. Okay, for that little bit of powder jo chhaap chhod diya hai Chanel wale powder ne, pehle main usko dust karke blend kar deti hu acche se mere blush ke sath. Aur fir I'm going to take a little bit of the Rimmel Sundown bronzer. It's a nice buttery bronzer. Please focus kar lo fatafat, bahut late ho raha hai mujhe bahar jaane ke liye. And I'm going to take this on a master brush and the tip. That's great for just like a, look at that, the bronziness that it adds. अच्छे से blend कर लो उसको. Jawline में भी खींच लो, इधर भी, forehead पे भी, तो बिल्कुल भी आपका face flat नहीं लगेगा. Look at that, वो sharpness add कर देता है. Perfect. Lastly, I'm going to take the verified highlighter. This is in the shade Morganite. It's this nice pinky highlighter, and with my fantastic highlighter brush, just going to place it over here. Can you see? Thodu sa hi lagana taki ekdam zyada shiny na ho, because the liquid blush is also very dewy. That's it for my birthday glam, all complete. To finish my birthday glam, I'm gonna add my earrings, these blingy ones. These are from Valentino. I got them at the Hong Kong airport and they're so stunning. Look at that, such a statement piece. Ek kan ke baal mein piche rakhti hu kyunki waise bhi uska curl pura hi kharab ho gaya. Maine subah mein mere baal curl kiye the. All right guys, this is my finished look. Bold red lip and some statement earrings. That's my makeup. I hope you all enjoyed. Sare products ke links description box mein mil jayenge aapko. I enjoyed doing my makeup with you all after so long chain se baith ke. I'm getting late for my birthday dinner, so I hope you all enjoyed this video. If you did, don't forget a big thumbs up. Let me know comments mein ki aapko specifically makeup related aur kya videos dekhne, and I would love to make that for you all. For these videos, Star Squad shoutout goes to Kashmira Fender. Thank you so much for watching and supporting my channel. If you want to be part of my series, Star Squad shoutout, you know what to do. Hit subscribe button, bell icon right next to it, and also leave a comment down below saying hashtag Sara Squad and Sean's part of my next video, Sara Squasher. I will see you guys very soon in another video. Bye guys, love you. Mwah.